तो वही करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का सर। आप लोग भी जानते हैं कि इन दोनों लगातार बावजूद कई सारी फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है और लोग पसंद भी करते हैं। बॉबी देओल की इन दोनों एक एक झलक देखना फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सोशल मीडिया पर बॉबी देओल की जितनी फिल्में लगातार लाइमलाइट का कारण बनी, बॉबी देओल से जुड़ी कई सारी तस्वीरें और वीडियो हमें देखने को मिल रही, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि बॉबी देओल को लगातार इन दोनों कई सारी फिल्मों का ऑफर मिले, जिससे बॉबी देओल और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बने। बॉबी देओल लगातार अपने फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को जानकारियां देते रहते हैं। फिलहाल आप लोग भी जानते हैं इनकी एक बॉबी देओल की इन दोनों एक और फिल्म है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। फिल्म का टाइटल हालांकि अभी तक नहीं बताया गया है। बॉबी देओल इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आप लोग बता दें, इस फिल्म को यशराज बैनर तरह इस फिल्म को बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक फिल्म का टाइटल सामने नहीं है, लेकिन फिल्म को काफ़ी शानदार तरीके से बनाया जाएगा और काफ़ी बड़े लेवल की फिल्म भी होने वाली। इसके अलावा भी बॉलीवुड के कई सारे हीरोइन के साथ वो काम करते हुए नजर आए, लेकिन आप लोगों को बता दें, जब से सोशल मीडिया पर आया है कि बॉबी देओल आलिया भट्ट के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद से लोग इस जोड़ियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद देकर सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल। आप लोग भी जानते हैं बॉबी देओल ने हाल ही में ही रणबीर कपूर के साथ काम किया, उसके बाद अब रणबीर कपूर यानी उनकी पत्नी आलिया भट्ट के साथ वो काम करते हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप लोगों को बता दें, बॉबी देओल को इन दोनों लगातार बॉबी देओल को जितनी फिल्में मिल रही है, उस फिल्म में बॉबी देओल को काफ़ी शानदार अंदाज में भी देखा जा रहा है। बॉबी देओल खाली फिल्म में कंगवा भी आई थी, कंगवा के ट्रेलर टीजर में आप लोगों ने देखा कि बॉबी देओल का काफ़ी शानदार अंदाज में देखने को मिला, कि इसके बाद फिर से एक बार वो आलिया भट्ट के साथ धमाल मचाने के लिए बड़े पर्दे पर बहुत जल्दी आ रहे। फिलहाल आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।